आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ पूजा वर्मा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद नेता लालू प्रसाद यादव आज अपना 74वां जन्मदिन मना रहे हैं। जेल से बाहर आने के बाद वे अभी दिल्ली में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद और उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती के आवास पर देर रात केक काट कर इसकी शुरुआत की गई। वहीं बिहार में भी कार्यकर्ताओं ने काफी जोश देखने को मिला। दिल्ली में लालू प्रसाद के साथ उनकी पत्नी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी मौजूद हैं। मीठापुर बस स्टैंड को 15 जुलाई तक पूरी तरीके से नए जगह पर शिफ्ट किया जाने को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीठापुर का निरीक्षण किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को विकसित किया जाना है और कई तरह की योजनाओं पर भी चर्चा की और अब इस दिशा में काम शुरू हो गया है, इसकी भी उन्होंने जानकारी दी। जहानाबाद में पेट्रोल डीजल की कीमतों में मूल्य वृद्धि और महंगाई के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के तहत जिला कांग्रेस कमेटी ने एनएच पर अवस्थित भारत पेट्रोलियम पंप के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का नेतृत्व पार्टी जिलाध्यक्ष हरि नारायण द्विवेदी द्वारा किया गया। कार्यकर्ताओं ने महंगाई पर रोक लगाओ, पेट्रोल डीजल के मूल्य वृद्धि वापस लो जैसे नारे लगाकर प्रदर्शन किया। नेताओं ने कहा है कि 2014 में महंगाई और बेरोजगारी को मुख्य मुद्दा बनाकर देश के सत्ता पर काबिज प्रधानमंत्री देश की जनता के साथ धोखा देने का काम कर रही है। जनता इतना बड़ी महामारी से उबर भी नहीं पाई है कि केंद्र सरकार लगातार पेट्रोल दामों में वृद्धि करके, अन्य खाद्यान्न सामग्रियों के दामों में वृद्धि करके गरीबों, किसानों, बेरोजगारों, छोटे व्यवसायियों के जीवन पर बहुत खराब असर पड़ा है। महंगाई लगातार केंद्र सरकार हर क्षेत्रों में, चाहे वह पेट्रोल डीजल हो, चाहे सारी खाद्यान्न वस्तुओं हो, दैनिक प्रयोग में लाने जाने वाली वस्तुओं को लगातार दाम आसमान छूता जा रहा है। केंद्र सरकार कुछ नहीं सुन रही है। हम लोग आज रोड पर हैं, कल हम लोग जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे। प्रदेश कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देशानुसार हम लोग आज सड़क पर हैं, कल हम लोग का जो भी आदेश होगा हम लोग पालन करेंगे। जहानाबाद में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 74वें जन्मदिन को पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने काफी धूमधाम से मनाया। जन्मोत्सव के अवसर पर कार्यकर्ताओं ने सामाजिक न्याय और सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हुए लालू रसोई के द्वारा महादलित टोला अम्बेडकर नगर और अगल बगल के दलित महादलित गरीब गुरबों को भोजन कराया। इस दौरान जहानाबाद सदर विधायक कुमार कृष्ण मोहन, मुखदुमपुर विधायक सतीश कुमार दास, विधान परिषद रामबली चंद्रवंशी सहित कई लोग मौजूद रहे। सुशासन बाबू के राज्य में पुलिस को खुली चुनौती देते हुए 5 की संख्या में बेखौफ अपराधियों ने हाजीपुर में 1,79,00,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। ये नकाबपेशी अपराधियों ने HDFC बैंक खुलते ही लगभग 1 घंटे तक पूरे बैंक को हथियार के बल पर अपने कब्जे में लेकर रुपयों से झोला भरते हुए स्थानीय पुलिस को भनक तक नहीं लगी। जब अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया तब जाकर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और आनन फानन में पूरे जिले की सीमा को सील कर दिया गया, चेकिंग अभियान शुरू किया गया। इधर बैंक लूट की सारी घटनाएं CCTV कैमरे में कैद हो गई। अरे अरे बाबू, हर जा, अरे बड़ा से बड़ा दूर से बनाओ ना यार, दूर से बनाओ यार। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्ट्रीट बस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।